थ्री द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी, बताना इनमें से कौन सा आंसर है हमारा। सॉल्व करते हैं, 3 4 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13 अपॉन 4 डिवाइड साइन, 4 1 4 ये 5 अपॉन 4 माइनस 1/2। सबको पहले इम्प्रॉपर में लिख लीजिए, 2 4 2 2 4 1 ये 5/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6, इसके ऊपर बार 1/2 ऑफ होता मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 3 12 वन 13 अपॉन 3। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और कौन सा ब्रैकेट, पहले अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले, ये यानी दूसरा ब्रैकेट है तीसरा, ठीक है, और ये लास्ट में सॉल्व होगा। ये वैसे के वैसे लिखे हैं अभी तो, कि पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होगा। 5/2 माइनस दोनों का एलसीएम लीजिए, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो 4 के 12 में क्या आता है, 3 बार में, और 6 के 12 में 2 बार में, लगाते जाइए ये दोनों ब्रैकेट को, ये रहा 13 अपॉन 4 डिवाइड बाय 5 अपॉन 4 माइनस 1/2, 5/2 माइनस ये 1 अपॉन 12, ये 13 1 13, 3 2 6, क्योंकि ये अलग ही एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से ऐसे डिम्पल्स मल्टीप्लाई किया है। 13 अपॉन 4 डिवाइड बाय 5 अपॉन 4 माइनस 1/2, इन दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 12। 2 के 12 में 12 क्या आता है, 6 बार में, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 30 और ये 1। ध्यान से ब्रैकेट लगाते जाइए, 13 अपॉन 6 ये 13 अपॉन 4 डिवाइड बाय 5/4 माइनस 1/2, 30 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 29 अपॉन 12, 13 अपॉन 6। एक एक स्टेप ध्यान से, 13 अपॉन 4 डिवाइड बाय, अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँगी क्योंकि उसके अंदर का सब कुछ सॉल्व हो चुका है, 5/4 माइनस 1/2, जब ब्रैकेट ओपन करूँगी तो क्या जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ, तो 29 अपॉन 12, यार ब्रैकेट हट गया, ये बचे ब्रैकेट बस 13 अपॉन 6। थर्टीन अपॉन फोर डिवाइड बाय 5/4 माइनस, अब ये कुछ पहले ये सॉल्व होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन 129 29 और 2 × 12 24 बाय 13 अपॉन 6, ये 13 अपॉन 4। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 24। 4 के 12 में 24 क्या आता है, 6 बार में, तो 5 6 30, और 24 के 12 में 1 बार में, तो जो ऊपर है वैसे के वैसे लिख दिया, राइट, 13 अपॉन 6। इनको तो हम बस लिखते जा रहे हैं, जैसा है वैसे के वैसे ही। इसका आगे का यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, 13 अपॉन 4 डिवाइड बाय 30 में से 29 गया तो कितना बचा, 1 अपॉन 24, और ये मैंने ब्रैकेट हटा दिया, कौन सा बचा, बाहर वाला, अब यहाँ पर डिवाइड में है, ठीक है, ये दोनों सॉल्व होगा, ये डिवाइड में है, 13 अपॉन 4 मल्टीप्लाई जो पीछे वाला है उसका रेसिप्रोकल 24, ब्रैकेट लगा रही हूँ, डिवाइड बाय 13 अपॉन 6, कट रहा है, जो जो कट रहा है काट लो, 6 से कट रहा है तो 6 से काट लिया, अब कितना बचा, 13 × 6,
और बाहर कितना अच्छा, डेड बाई 13/6। इसको सिंपल लिख रही, 13 × 6 ये डिवाइड में था, तो ये मल्टीपल साइन और रेसिप्रोकल उल्टा 6/13। क्या क्या कट रहा है, ये कट लिया, क्या बचा 6 × 6, तो 6 × 6 कितना हो गया 36। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ये है हमारा बी, तो बी इसका आंसर है। ध्यान से एक एक स्टेप क्लिक के करना, तब आएगा आंसर।